अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं और हमारा आज लेसन नंबर है 11। फ्रेसिस का ये हमारा लास्ट लेसन है, इसके बाद हम नया लेसन शुरू करेंगे। जो दोस्त लेसन पर नए हैं उन्हें चाहिए कि लेसन नंबर 1 से फॉलो करें ताकि सब समझ में आए। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं, सुनते हैं क्या है। डिस्कुल्पे मतलब होता है एक्सक्यूज मी। ठीक है, आगे बढ़ते। सी यो हैब्लो स्पेन्योल, पहले टाइप करते हैं। देखते हैं हमने सही टाइप किया, स्लो में सुनते। सी जो हैब्लो एस्पान्योल, इसका उर्दू में तर्जुमा होगा सी का मतलब होता है हाँ, यो हैब्लो एस्पान्योल, मैं स्पेनिश बोलता हूँ। इंग्लिश में किस तरह होगा? यस आई स्पीक स्पेनिश। आगे बढ़ते। यो हैब्लो इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इसको हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? आई आई स्पीक इंग्लिश, यो हैब्लो इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, और इसको इंग्लिश में किस तरह से बोला जाएगा? आई स्पीक इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। तू हैब्लास इंग्लिश, सवाल यह जुमला है क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? पहले इसको टाइप करते हैं। चलो मैं सुनते हैं। तू हैब्लास इंग्लिश, तू हैब्लास इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? उर्दू में इस तरह बोलेंगे और इसका ट्रांसलेट कैसे होगा इंग्लिश में? डू यू स्पीक इंग्लिश? डिस्कुल्पे, डिस्कुल्पे एक्सक्यूज मी होता है। आगे बढ़ते। तू हैब्लास एस्पान्योल, तू हैब्लास एस्पान्योल, क्या तुम स्पेनिश बोलते हो? इंग्लिश में किस तरह होगा? डू यू स्पीक स्पेनिश? पहले हम इसको सिलो में सुनते। तू हैब्लास एस्पान्योल, तू हैब्लास स्पेन्योल। तू हैब्लास स्पेन्योल, तू हैब्लास स्पेन्योल, क्या तुम स्पेनिश बोलते हो? और इंग्लिश में किस तरह से बोला जाएगा? डू यू स्पीक स्पेनिश? आगे बढ़ते। डिस्कुल्पे पर फेवर, डिस्कुल्पे एक्सक्यूज में होता है, पर फेवर प्लीज, बराए मेहरबानी। डिस्कुल्पे एक्सक्यूज मी पर फेवर मतलब होता है प्लीज, उर्दू में बोलेंगे बराए मेहरबानी। आगे बढ़ते। यो हैब्लो एस्पान्योल,
Yo hablo español. मैं स्पेनिश बोलता हूँ. और इंग्लिश में किस तरह से बोला जाएगा? आई स्पीक स्पेनिश. पहले टाइप करते हैं. Yo hablo español. ठीक है. एक्सक्यूज मी को क्या बोलते हैं स्पेनिश में? एक्सक्यूज मी को क्या बोलते हैं? डिस्कुल्पे. आगे बढ़ते. Juan, tú hablas inglés? Juan, tú hablas इंग्लिश. खान, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? और स्पेनिश में और इंग्लिश में किस तरह से बोला जाएगा? खान, डू यू स्पीक इंग्लिश? पहले इसको टाइप करते हैं, सिलो में सुनते. खान, तू हैबलस इंग्लिश? खान, तू हमलास इंग्लिश. वन टू हमलास इंग्लिश. खान, तू हमलास इंग्लिश? खान, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? और इंग्लिश में किस तरह से बोला जाएगा? खान, डू यू स्पीक इंग्लिश? आई स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलता हूँ. उर्दू में इस तरह होगा और स्पेनिश में किस तरह से होगा? यो. आप लो इंग्लिश. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यस आई स्पीक इंग्लिश. हाँ मैं यस आई स्पीक स्पेनिश. हाँ मैं स्पेनिश बोलता हूँ. इसको स्पेनिश में किस तरह से बोला जाएगा? यस को सी. आई स्पीक स्पेनिश. यो हाब्लो सी. यो हाब्लो स्पेनियोल. किस तरह से ट्रांसलेट होगा इसका? इंग्लिश में ऊपर लिखा है यस आई स्पीक स्पेनिश. हाँ मैं स्पेनिश बोलता हूँ. और स्पेनिश में किस तरह से बोला जाएगा? सी यो हाब्लो स्पेनियोल. आगे बढ़ते. खान, डू यू स्पीक इंग्लिश? खान, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? इसको स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे? चलिए टाइप करते. Juan, ¿tú hablas inglés? ¿Te quedó esto? तो फ्रेंड्स, ये तो था लेसन नंबर 11. नए लेसन में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. ये हमारा फेरेसिस का लास्ट लेसन है.